टीम इंडिया में जब वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हुआ था तब यह सवाल उठा था कि सुंदर क्यों। आई मीन सीरियसली, आपके पास कुलदीप यादव हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं, आप फिर सुंदर को क्यों ला रहे हैं। फिर टीम इंडिया ने टॉस हारने के बाद जब गेंदबाजी करने का फैसला किया और 197 रन पर 3 विकेट गिरे थे और सुंदर के खाते में एक भी विकेट नहीं था, तब यह सवाल और उठने लगा कि भाई साहब सुंदर क्यों। लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसा सुंदर कमबैक किया कि लोग वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां पीट रहे हैं। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए लोग तालियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस सिलेक्शन के बारे में चर्चाएं बड़े दिनों तक चली, ये वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सिलेक्शन था क्योंकि 197 पर 3 विकेट और 259 पर ऑल आउट होना और सुंदर का बचे हुए सभी 7 विकेट निकाल देना, यह अपने आप में एक इनक्रेडिबल कहानी है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर के लिए तालियां बजनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर के फर्स्ट क्लास कैरियर का या किसी भी कैरियर का, इंटरनेशनल कैरियर 3 साल पहले खेला था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्ले से अच्छा कमाल किया था, लेकिन तब भी कमेंटेटर्स अक्सर शिकायत करते थे कि सुंदर को अपनी गेंदबाजी को लेकर और सीरियस हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार सुंदर ने ऐसी सुंदरता दिखाई कि पुणे में टीम इंडिया के जितने भी प्रशंसक थे उन सब के मन में सुंदर सम्मोहित हो गए और हर व्यक्ति फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ कर रहा है और होनी भी चाहिए। न्यूजीलैंड काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, 197 रन पर 3 विकेट गिरे थे, रचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहे थे और उनके साथ मिचेल खेल रहे थे। उससे पहले सेकंड विकेट के लिए कॉनवे जो 76 रन बनाकर आउट हुए वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सुंदर को विकेट नहीं मिल रहे थे। सुंदर वाज क्लूलेस। लेकिन फिर सुंदर ऐसा चले कि आखिरी के सभी 7 विकेट सुंदर ने अपनी झोली में डाल लिए। सुंदर ने रचिन रविंद्र को आउट किया क्लीन बोल्ड, क्या बेहतरीन गेंद थी। उसके बाद डेरिल मिचेल, उन्हें तो समझ ही नहीं आया, बल्ला ऐसे करते हुए बॉल अंदर आ गई और क्लीन बोल्ड हो गए।